प्रणाम पूछ रही थी जी। पहले प्रश्न जो भ्राता जी ने पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा कुछ विचार आ रहा था मेरे मन में। वो अगले जन्म में योनि चेंज होती है ना, तो उसमें जीन्स और जेनेटिक जो भी है उसकी क्यों समस्या आ रही है? हम तो बिल्कुल दूसरी योनि धारण करते हैं ना, तो इस जन्म में जो भी थे हम मनुष्य वो तो यहीं रह गया शरीर, अगले जन्म में तो बिल्कुल अलग योनि मिलती है, तो उसमें तो मतलब समस्या नहीं आनी चाहिए योनि परिवर्तन में, तो प्रश्न ही क्यों आ रहा है ऐसे मन में आया मेरे। नहीं, वो उनका कहना ये है कि सूक्ष्म शरीर के साथ वो संस्कार तो जाते ही है ना, तो चेंज होने उस में समस्या है उसमें फिर, अगर संस्कार नहीं जा रहे हैं तो नहीं चेंज होने में कोई समस्या नहीं उसमें है, तो चेंज इतना ही होते हैं। मतलब कहते हैं ना दीदी जी, संस्कार के कारण। जैसे एक उदाहरण आता है कि किसी ऋषि को हिरण के बच्चे में बहुत आसक्ति हो गई, तो वो उनको अच्छा लगा, भरत तो मुनि को जी तो उनकी मतलब इच्छा के कारण, उस जीव की इच्छा थी कि उस प्राणी के प्रति उसका आसक्त हुए वो, इस कारण से जीव की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उस योनि में गए। लेकिन जो है वो बॉडी का जो स्ट्रक्चर चेंज आने में, मतलब मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम अगले जन्म में जा गए, मतलब शरीर हमने सारा यहीं छोड़ स्ट्रक्चर दिया। चेंज हो गया ना, लेकिन उनका उस हाँ भावना के कारण ही, हाँ वो क्योंकि तो जो हो गया, घनीभूत लेकिन भावना थी जी जी उसने उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया ना, तो वो हिरण की योनि में हाँ चले गए हाँ वो तो चले मानव गए, से। पर मुझे ऐसा लगा वो भैया ये कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं इस जन्म में, अगले जन्म में हम पिछले जो थे उसका प्रभाव आगे तक जा रहा है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था शरीर यहीं छूट गया, अब अगले जन्म में नहीं, वो उसका तो वही है। स्थूल तो यहाँ रहता ही है, हाँ उसमें तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है, ये सेल्स तो नष्ट हो ही जाते हैं। अगर इस जन्म में कहते तब समस्या थी कि मनुष्य से अगली जो उसकी वंश आ रही है वो कौन हो, तब तो समस्या आती कि जैसे इस कह रहे, जन्म में भी चेंज हो जाता है और पर इतनी थोड़ा ज्यादा मिक्स पावर होता है। होगा ना दीदी वो, मतलब एकदम प्योर मनुष्य नहीं होता होगा, अगर संकर बोलते हैं जैसे ना फिर उसको, योगी इसलिए जैसे होते हैं ना, उनके सेल्स और उनके जो स्थूल जैसे लीवर किडनी आदि, वो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो उसमें चेंज आ जाता है। तो वो उनकी, हाँ, उनका विचार और उनकी भावना, उनके स्किन के जो सेल्स हैं बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो ये हमने अपनी आंखों से भी देखा है। तो ये भावना का और विचार का बहुत ही बड़ा रोल है, स्थूल से कई गुना बड़ा रोल है। और कोई? ओम प्रणाम पूजी। कल आपने कहा था कि आसुरी शक्ति को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए, कि वो भी बहुत मजबूत मजबूत शक्ति होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये देखने को मिलता है कि देव शक्ति को पर भी भारी पड़ता है, देव शक्तियों पर भी भारी पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसुरी शक्ति इतना क्यों मजबूत होती है? क्यों मजबूत ना हो, मजबूती के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो मजबूत होते हैं। ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि असुर क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि उसने मजबूती के लिए प्रयास किया, तो देवता क्यों नहीं? देवता भी उसने तो कर सकते प्रयास हैं। नहीं किया। कभी कभी देखने को मिलता है कि इंद्र का सिंहासन भी छोड़ के भाग जाता है, इंद्र भी सिंहासन छोड़ के भाग जाता है, ये क्या भी होता है देखने इंद्र का, इस सिंहासन हिल जाता है, सिंहासन हिल जाता है, वो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाता है इंद्र, भाग जाता है। हमने देखा था रामायण, ये टीवी कहाँ? में देखा था, टीवी टीवी पे। में देखा था। तो क्यों भागा इंद्र, क्या देखा आपने? जैसे कि ये आसुरी शक्ति इतना मतलब ये करता है कि मतलब अच्छा, अटैक करता असुरों है, ने भगा दिया जी इंद्र को। अटैक करता है उतना, और उन मतलब ये अटैक से भी चले जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब क्यों इतना ये शक्तिशाली है आसुरी शक्ति? मैंने भी यही बताया था कि असुर बहुत शक्तिशाली हैं, कभी कभी इंद्र को भी भागने पे मजबूर कर देते हैं, ऐसे तो बताया था मैंने। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न इंद्र ये, को और ज्यादा तपस्या करनी चाहिए? नहीं, भागना चाहिए ना। इंद्र यदि भाग रहा है तो इसका मतलब वो, उसका बल कम हो गया ना, तो और ज्यादा तप पुरुषार्थ करना चाहिए देवताओं को। आप तो देवता हैं, आप सब मतलब देवत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब जीवन में कोई असुर अटैक करे तो फिर भागना नहीं चाहिए, डटना चाहिए वहां पे, और अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो मैंने तो इसलिए कहा था कि भाई उसको कमजोर आंकना मत, नहीं तो फिर वो कभी ना कभी अटैक करके ना आपको, आपको भी भगा देगा असुर। तो कभी भी तीन शब्द है ना, रोग को, अग्नि को और असुर को या शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
ये तो कमजोर सा है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। मोहम्मद गोरी को कमजोर समझ लिया था ना 17वीं बार, तो ये ऐसे आता है चला जाता है, तो उसी बार जीत के चला गया फिर वो। और उसका इरादा कितना मजबूत देखो, 16 बार जो व्यक्ति हार करके अपने घर गया होगा तो उसकी प्रजा ने कैसा स्वागत किया होगा, उसका कितना मखौल उड़ाया होगा ना कि फिर आ गए अब की बार। और उसकी हिम्मत देखो आप कि फिर एक बार जाएंगे, जब तक विजय नहीं मिलेगी जाते ही रहेंगे। तो ऐसे करके करके एक दिन उसने विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे हमें अपने जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति हजारों बार पराजित होकर के भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हो गया। ये मैंने कहीं सुना था कि सत्य तो परेशान हो सकती है लेकिन पराजय नहीं हो सकती है, थोड़ा इनके बारे में बताइए ना। तो आपने तो खुद ही उत्तर दे दिया, मैं क्या बताऊं। लेकिन क्यों परेशान होती है सत्य, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। तो परेशान नहीं होना चाहिए सत्य को, जब तक कमजोर होता होगा ना सत्य तो परेशान हो जाता होगा, और जब मजबूत हो जाता है तो विजयी हो जाता है। फिर उसका अभिप्राय इतना ही है कि सत्य का जो स्वरूप है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो शाश्वत है उसको अंततोगत्वा पराजित नहीं किया जा सकता। तो सत्य के पीछे लगे रहो। अब सत्य क्या है ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, सत्य है क्या जिसको हम जिए। तो इसकी खोज आपको कल करके लानी है, आपके लिए होमवर्क है ये, सत्य क्या है तो ये ढूंढना। और कोई किताब नहीं पढ़नी है, गूगल पे नहीं देखना है सत्य क्या है। गूगल गुरु भी बड़ा खतरनाक है, कभी कभी तो अच्छा काम भी करता है। तो खुद सोच के लाना है आपको सत्य क्या है। ठीक है, चलूं आगे। तो चलिए 9वें श्लोक से पढ़ते हैं। तस्यैवं ब्रुवतो धृष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वं वचनं संभ्रांता जनकात्मजा तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुभाम् अब्रवील्लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवां मम भार्यां शुभाचारां विराधांके प्रवेशितां पस्पर्शत्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे पितुर्योगात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। तो जब उसने विराध ने कहा कि मैं युद्ध में तुम दोनों के रक्त को पी जाऊंगा, रक्त का पान करूंगा, तो उसके ऐसे धृष्टता युक्त वचन कहे जाने पर दुष्ट दुरात्मा विराध के सगर्वम, जो बहुत ही गर्व से युक्त होकर के बोल रहा था, घमंड से युक्त होकर के बोल रहा था, जनकात्मजा श्रुत्वा संभ्रांता, तो उसके इन वचनों को सुनकर के जो सीता माता हैं, जो जनक की पुत्री हैं, वो संभ्रांत हो गई। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनकी बुद्धि चकरा रही थी कि क्या वो बोल क्या रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम कल्पना नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे जीवन में, तो उसके सामने आने पर सबसे पहले बुद्धि भ्रमित होती है हमारी, बुद्धि कुछ सोच नहीं पाती, कोई निर्णय नहीं कर पाती है। व्यक्ति कहता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, ये कौन सी स्थिति है, बुद्धि के संभ्रांत होने वाली स्थिति है ये। और जब जब ऐसा हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो फिर व्यक्ति को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में, फिर शांत ही बैठना चाहिए, वेट करनी चाहिए कि मैं थोड़ा लंबे लंबे सांस लेता हूँ, आंख बंद करके बैठता हूँ, और मैं नहीं सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रही हूँ, तो
कोई मेरे से बड़ी शक्ति है वो मेरी हेल्प करे, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस समय प्रार्थना की शक्ति हमारा पथ प्रदर्शन करती है, खुद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि बुद्धि संभ्रांत है तो उस समय उचित निर्णय लिया जाना बहुत मुश्किल है। और जब सीता माता को ऐसे देखा, उसके अपहरण किए जाते हुए श्री राम ने, तो श्री राम भी राघव ताम दृष्ट्वा, ताम सीताम दृष्ट्वा, ताम शुभाम सीताम विराध अंकगताम दृष्ट्वा, जो शुभ गुणों या शुभ लक्षणों से युक्त सीता है उसको जब विराध के अंक में गया हुआ देखा श्री राम ने, तो वो भी लक्ष्मणम वाक्यम अब्रवीत, लक्ष्मण से उन्होंने ये वाक्य कहे, मुखेन परिशुष्यता, उनका भी मुख सूख रहा है, श्री राम का भी। क्योंकि जब अपनी बुद्धि का ह्रास हो जाता है तो ये व्यक्ति का सबसे बड़ा ह्रास है, अपने सत्य का ह्रास होना या बुद्धि का ह्रास होना, ये सबसे बड़ा ह्रास है। भारत में तो गाली दी जाती है किसी को, सबसे बुरी गाली क्या दी जाती है, तेरा सत्यानाश हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो सत्यानाश का मतलब सर्वस्व नाश, क्योंकि व्यक्ति के सत्य का यदि नाश हो गया तो फिर तो बचा ही नहीं ना और कुछ। और सत्य का नाश किससे होता है, बुद्धि के भ्रमित होने से। बुद्धि यदि ठीक है तो सत्य मार्ग पे चलाएगी, सत्य का नाश नहीं होने देगी। बुद्धि यदि भ्रांत हो गई तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इनका भी मुख सूख रहा है श्री राम का, क्योंकि सीता उनकी शक्ति है, एक मनुष्य की बुद्धि तत्व सबसे प्रबल शक्ति है। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी चला गया, धन भी चला गया, संबंधी भी चले गए, मित्रगण भी चले गए, यश कीर्ति भी चली गई, लेकिन बुद्धि तत्व अभी भी है। तो उस तत्व के बल पर वो सब चीजें दोबारा खड़ी कर सकता है। मानो किसी ने अपने बुद्धि के बल से बहुत सारी फैक्ट्रियां खड़ी की, बहुत सारा धन अर्जित किया और वो सब नष्ट हो गया किसी हादसे में, किसी तूफान में। बहुत अपनी बुद्धि के बल पे यश कीर्ति आदि उसने अर्जित किया और वो चला गया, लेकिन बुद्धि तत्व अभी भी है उसके पास। बुद्धि तत्व है, धर्म तत्व है, पुरुषार्थ है, फिर खड़ा कर लेगा, कोई बात नहीं, वो घबराएगा नहीं। और यदि बुद्धि तत्व चला गया तो फिर सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर है। फिर मानो बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया तो अब इस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, ये सब व्यर्थ। कितना बड़ा पद था, ये व्यर्थ, क्योंकि उसका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास बुद्धि तत्व की, विवेक तत्व की, और इसी को प्राप्त करने के लिए पूरी साधना है। सारी साधना विवेक प्राप्ति के लिए है, आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व नित्य है, वो हम हैं ही, परमात्म तत्व भी नित्य है। अब इसके बीच में जो पर्दा आया है बुद्धि तत्व के ऊपर, इसको हटाने के लिए सारी साधना है, उस रितंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, उस विवेक को प्राप्त करने के लिए, कि हम इसको ठीक ठीक देख सकें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्। ये हिरण्यमय पात्र जो है इसका मुख असत्य से ढका हुआ है। तो श्री राम भी थोड़े परेशान से होकर के लक्ष्मण को कह रहे हैं, पश्य सौम्य नरेंद्रस्य जनकस्य आत्मसंभवाम मम भार्याम शुभाचाराम विराधंके प्रवेशिताम। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है, जो महाराजा जनक की पुत्री हैं और जो शुभ आचरण वाली हैं, शुभाचाराम मम भार्याम, जो मेरी धर्म पत्नी है, जो महाराजा जनक जैसे विराट पुरुष की पुत्री हैं, जो श्री राम जैसे देवतुल्य व्यक्ति की भार्या हैं, और वो भी कहाँ फंस गई हैं, विराधंग के प्रवेशिताम, वो भी आज इस समय असुर के वश में हैं। तो इसलिए जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों को भी
ऐसी विपत्तियां नहीं छोड़ती हैं, तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो इसलिए हमें अपनी किसी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए। आती हैं जाती हैं, आई हैं तो चली भी जाएंगी। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि बस अब तो आगे कभी कोई प्रकाश की किरण की संभावना ही नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसे लगता है थोड़ी देर के लिए। पर ऐसा होता नहीं है, हर कितनी भी गहरी काली रात क्यों ना हो, उसके बाद भी सूर्योदय तो होता ही है। और ये परिस्थितियां कभी कभी इतने बड़े बड़े महापुरुषों को भी कंपा देने वाली होती हैं। परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुखतरम अस्ति मे, बोले मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति सीता माता का स्पर्श करे, परस्पर्शात्तु वैदेह, वैदेही का कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करे, इससे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि सीता का स्पर्श करने का एकमात्र अधिकार श्री राम को ही है। पितुर योगात सौमित्रे, ये दुख मेरे लिए पिता के वियोग से भी ज्यादा दुख है। क्योंकि श्री राम को सबसे ज्यादा दुख किससे हुआ था, जब उन्होंने सुना भरत जी से कि पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो उनको बहुत कष्ट हुआ था, उस समय उनकी आंखों में अश्रु आए हैं। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं पितुर योगात स्वराज्य हरणात तथा, और राज्य का हरण हो जाने से, किसी व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट का पद मिल रहा था और अचानक से पता लगा कि नहीं अब वन में जाओ, ठीक है उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनको दुख की प्रतीति ही नहीं हुई हो, ऐसा नहीं है, दुख तो होता ही है। मैंने सर्दी में एक दिन पूज्य स्वामी आर्षदेव जी से पूछा, मैंने कहा आपके बाल नहीं है, आपको ठंडी नहीं लगती है? ठंडी तो लगती ही है, लेकिन ये तय किया है कि ठीक है उसको सहन करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी कि फीलिंग ही नहीं आती, आप लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते, स्वेटर आदि नहीं पहनते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको ठंडी लगती भी नहीं है, फीलिंग ही नहीं होती कि ठंडी है, जून जैसी गर्मी लगती हो, ऐसा तो नहीं है ना, ठंडी तो लगती है। लेकिन जब मन से ये तय कर लिया नहीं पहननी है, तो फिर वो सहन करने योग्य हो जाती है वो ठंडी, और मन से ये सोच लिया कि ज्यादा ठंडी लगेगी तो स्वेटर पहननी है, तो फिर सहन नहीं होगी, वो पहना जाएगा। तो दुख तो होता है, हर परिस्थिति का प्रभाव तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है भगवान ने ऐसा बनाया है, हर सेल के ऊपर एक सेंसर है, हर सेल के ऊपर, इतनी ऐसी सुंदर मशीन कहीं आपको मिलेगी देखने में, बाहर के जगत में कहीं नहीं मिलेगी। एक मच्छर जब डंक मारता है तो कितना छोटा कितना बारीक डंक है उसका, मच्छर ही इतना छोटा सा, और वो डंक मारता है तो कितना बारीक है वो, लेकिन जहां कहीं भी डंक मारता है आपका वो सेल आपको बता देता है तुरंत कि मच्छर ने डंक मारा है, तुरंत उसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इतने सारे सेंसर हैं इसमें, हर सेल के ऊपर एक सेंसर है, उसकी फीलिंग होती है व्यक्ति को, और यहां तक कि भावनाओं की भी फीलिंग होती है हमारे सेल्स को। आपको पता है जो योगी हैं उनके पास बंदर भी आ जाता है, गाय भी आके खड़ी हो जाती है, मोर भी आ जाता है, कबूतर भी आ जाता, सब उसके पास आ जाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, और बाकी के पास वो फटकते भी नहीं है, तो मतलब उनको कैसे पता लगा। तो भावनाओं की भी फीलिंग होती है, ऐसे भी सेंसर हैं हमारे पास, भावनाओं को फील करने वाले भी हैं, विचार को फील करने वाले भी हैं। आपको पता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाणी से कड़वा बोलते ही नहीं है, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति एक आत्मीयता की फीलिंग नहीं आती है। व्यक्ति को लगता है कि मतलब मैं क्या कह करके ब्लेम करूं कि इन्होंने मेरे को डांटा भी नहीं, पीटा भी नहीं, लेकिन फिर भी कंफर्ट नहीं है, मतलब एक उसकी फीलिंग नहीं आ रही है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई बहुत ज्यादा संबंध भी नहीं है, उनके सानिध्य में भी रहते नहीं हैं, और कभी कभार थोड़े बहुत समय के लिए ही मिले हैं, लेकिन इतना सा मिलना भी अच्छा लगता है। तो ये सेंसर हैं उन भावनाओं को भी फील करने वाले। हमें कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल अनजान लोग, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं आप एयरपोर्ट पे हैं, और किसी व्यक्ति को देख करके ही आपको अच्छा लगता है, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है उनको देख करके भी। तो कहीं ना कहीं से वो भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये बहुत ही एक विचित्र, भगवान ने ये मशीन, ये शरीर हमें बना करके दिया है। तो हर व्यक्ति को फीलिंग होती है, अब वो उन फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखता है, ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो श्री राम को जब चक्रवर्ती साम्राज्य मिल रहा था, और अचानक से जब उनको पता लगा कि अब वन में जाना है, तो कष्ट तो हुआ, यहाँ पर ये बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस कष्ट को सहन किया। तो अब बता रहे हैं कि जो कष्ट मुझे राज्य के छिन जाने से या पिता के स्वर्ग जाने से हो रहा था, स्वराज्य हरणात् पितुर योगात् तथा सौमित्रे, ये वाला दुख तो उससे भी ज्यादा दुख तरम अस्ति में, उस वाले दुख से भी ये वाला दुख ज्यादा प्रतीत हो रहा है मेरे को, कि मेरे रहते हुए वैदेही का कोई दूसरा असुर स्पर्श करे, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई दुख नहीं हो सकता है। इति ब्रुवती काकुत्स्थे वाष्प शोक परिप्लुते अब्रवी लक्ष्मण क्रुद्धो रुद्धो नाग इव स्वसन अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमा मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विराधस्य गतासोर्हि महि पाश्यति शोणितम्। काकुत्स्थे इति ब्रुवति, जब श्री राम वाष्प शोक परिप्लुते, अश्रुपूर्ण आंखों से और शोक से युक्त होकर के जब ऐसा बोल रहे थे, तब क्रुद्ध लक्ष्मण अब्रवीत, तो क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने कहा, रुद्ध नाग इव स्वसन, नाग मतलब सर्प, जैसे कोई जिसको रुद्ध कर दिया, रोक दिया है किसी सांप को, और वो फिर फूंकाट मारता है, श्वसन करता है, तो बहुत तेज नाराज होकर वो श्वास फेंकता है ना, और वैसे भी ये तो शेष नाग के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण, तो ये अत्यंत क्रोधित होकर के सर्प की तरह से श्वास को छोड़ते हुए, प्रश्वास को छोड़ते हुए इन्होंने कहा, अनाथ इव भूतानाम नाथत्वम वासवोपमा, हे नाथ आप कैसे हैं, भूतानाम अनाथ इव नाथत्वम, जो अनाथ लोग हैं उनके आप नाथ हैं, आप तो उनके आधार हैं, उनके आश्रय हैं। मया प्रेष्यण काकुत्स्थ किमर्थम परितप्यसे, और फिर मेरे जैसा सेवक आपके साथ है, आप तो सब अनाथों के नाथ हैं, और उसके साथ भी मेरा जैसा सेवक जब आपके साथ है, तो आपको किमर्थम परितप्य से, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये भी पता लगता है कि कभी कभी छोटे भी बड़ों को संभालते हैं, बड़े तो हमेशा संभालते ही हैं छोटों को, पर मानो कोई ऐसी परिस्थिति आई कि जब बड़े व्यक्ति नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, तो उस समय छोटे को क्या करना चाहिए, बड़ा बन जाना चाहिए फिर उतने देर के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी संभाल रहे हैं श्री राम को, उनको याद दिला रहे हैं कि आप तो अनाथों के भी नाथ हैं, आपके अंदर तो इतना बल है, और मेरे जैसा सेवक है आपके साथ, तो फिर आपको परिताप करने की आवश्यकता नहीं है। शरेण निहतस्य अद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः, इस राक्षस को तो आज मेरे बाण से मैं ही मार दूंगा,
आपको भी आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपकी शक्ति हूँ। लक्ष्मण भी श्री राम की शक्ति है, सत्ययुक्त मन लक्ष्मण का, लक्ष्मण सत्ययुक्त मन का प्रतीक है और सीता माता बुद्धि का प्रतीक है। तो जिनके पास सत्ययुक्त मन है तो ये उस आत्मा की कितनी बड़ी, योगी की कितनी बड़ी शक्ति है। जो आप वो बोलते हैं ना श्लोक, सत्यम मित्र मिदम दया च भगिनी, योगी का मित्र कौन है? सत्य। बहन कौन है? दया। तो ऐसे ही यहाँ पर लक्ष्मण जो है ये सत्ययुक्त मन है, तो ये इनका सेवक है। तो ये कह रहे हैं अद्य मया क्रुद्धेन क्रोधित होकर के शरेण रक्षस निहतस्य अद्य मया क्रुद्धेन रक्षस विराधस्य गतासो ही मई पश्यति पाश्यति शोणितम। ये पृथ्वी जो है ये इस विराध का रक्त पान करेगी। तो अभी मैं अपने ही असी से, अपने ही आयुध से इसका नाश कर डालूंगा, इसको मार डालूंगा। तो आपको इसको देख करके और तप्त होने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये धरती माता इसके रक्त का पान करेगी। तो ये सर्ग यहीं संपन्न होता है और हम आज के पाठ को भी यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। ओम श्री गुरुभ्यो